अस्सलाम वालेकुम, भारत ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। गाइस आज देखिए हम करेला की सब्जी कैसे बनाएंगे। फ्राई भी बहुत खाए होंगे, भरुआ भी बहुत खाए होंगे, लेकिन अलग तरह से आज फ्राई बनाऊंगी। तो ये 1.5 किलो करेला मेरी खेती का है, मैंने तोड़ी हूँ अपने बगीचे से। तो उसके लिए हमने सरसों का तेल और ये पचफोरन, ये हमने 3 कली लहसुन लिए, ये प्याज फ्राई के लिए, और ये हम खोल लिए, थोड़ा तोड़ लिए प्याज, और ये लाल शिमला, ये पीला शिमला, और ये इतना गिरी अचार का, और ये हरी धनिया, ये हल्दी और नमक स्वाद अनुसार हम लेंगे। तो चलते हैं अब हम गैस की तरफ। गैस हमारा बर्तन गरम हो गया है, अब हम तेल ले लेते हैं, माप से डालेंगे। थोड़ा करेला की सब्जी में लगता है तो हम दो चम्मच हमने तेल ले लिए, अब हमारा तेल गर्म हो गया तो हम इसके अंदर वो पचफोरन निकाले थे वो डाल रही हूँ। पचफोरन हमारा चटक गया, पचफोरन का खुशबू बहुत ही बढ़िया होता है सब्जी के अंदर। अब हमें लहसुन जो 3 कली मैंने काटी थी बारीक, थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चलता है, अब वो डाल दूँगी। गैस करेला की सब्जी आज की बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज नई रेसिपी है हमारी, ये अब बहुत ही बढ़िया इंशाल्लाह होगी। देखिए हमारा ये लहसुन भी लाल हो गया, लहसुन की भी खुशबू बहुत बढ़िया है। वो अब ये मैं प्याज डाल दी, देखिए प्याज हमारी लाल हो गई, क्योंकि हमें फ्राई में लाल प्याज चाहिए। तो प्याज हमारी लाल हो गई, अब हम करेला डाल देंगे। थोड़ा हीट को कम करेंगे, बढ़िया फ्राई होने के लिए हमको प्याज को फ्राई करना पड़ेगा लाल। अब हम इसके अंदर लाल शिमला जो कट करके हमने रखे थे, ये पीला शिमला जो तोड़ के रखे थे हमने प्याज, वो डाल दे रहे हैं। अब हम इसको एकदम लो फ्लेम पर रखेंगे, क्योंकि हमें फ्राई चाहिए। और इसके अंदर अब हमें हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, आप जैसे खाते हैं नमक वैसा कम ज़्यादा करके डालें। अब इतना हमने अचार की गिरी रखी है, क्योंकि करेले के कड़वापन को कम कर देगा। अब हम इसको लो फ्लेम पर कर देंगे एकदम।
उसको हम अब ढक देते हैं। गैस हम इसके अंदर दो मिर्ची भी डालेंगे, दो मिर्ची ज़्यादा नहीं, शिमला मिर्ची तो तीखी नहीं होती इसलिए दो मिर्ची डालेंगे। हम फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पर हम रख देंगे गलने के लिए। गाइस चलिए देख लेते हैं सब्जी हमारी कहाँ तक पहुँची। वाह खुशबू से घर भर गया। अब होने भी आ गई है तो अब हम थोड़े टाइम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, लाल करना है हमें। गाइस हम डेली बोलते हैं कि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लेकिन आज नहीं बोलूँगी। आज आप सबको आप बोलूँगी कि आप लोग को करना ही होगा, पैसा नहीं लगता है। किसी को आप अगर बढ़ा सकते हैं तो आपको खाली प्रेस करना है, और सबको बढ़ाते हैं तो हमें भी बढ़ाइए, तभी तो मैं अच्छा अच्छा रेसिपी लेके आऊँगी। तो आप सब ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। अब इसी तरह हम इसको थोड़ा भून लेते हैं, फ्राई करना है। गाय देखिए देखिए क्या मेरी सब्जी एकदम बढ़िया से लाल हो गई। फ्राई इसी को कहते हैं। देखिए आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह हम फिर दूसरे वीडियो को नए नए तरीके से लेके आऊँगी। लेकिन गाइस मेरे 500 सब्सक्राइबर में 5 कम है, वो आज हमको 1 महीना हो गया। नए भाई बहन ज़रूर हम भी मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया, तभी तो मैं लेके आऊँगी ना नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी। और बहुत बढ़िया हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर हरी धनिया डाल देंगे। गाइस हमारे सामने कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम नहीं रोकेंगे, आने दो आवाज़। आप लोग हैं ना हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा। देखिए बहुत ही टेस्टी हुई है, लाजवाब हुई है, बन गई हमारे करेले की सब्जी। और भी अगर आप लोग को फ्राई लाल चाहिए करेला, तो पहले करेला को फ्राई करके निकाल ले, फिर इस तरह बनाए, और बहुत ही लाजवाब हुई है। और लगा कुछ भी नहीं, बस 3-4 चीज़ों से बन गई। और हल्दी नमक हरी मिर्ची दो डाली हूँ, आप लोगों ने देखा। और हम इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस अल्लाह हाफिज़।